नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लोगों में भी काफी उत्साह इसे लेकर देखा जा रहा है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दाव करती नजर आ रही है और उनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस बार जीत उनकी ही होगी। वहीं आपको बता दें, इस पर चुनाव में किसकी सिरताज सजेगा, किसको दरकिनार करेगी ये जनता, तो आज चाय पर चर्चा में आपको दिखाएंगे आगरा की जनता आखिरकार क्या चाहती है, जनता के दिल में कौन है और कौन से अहम मुद्दे जनता के जहन में इस वक्त चल रहे। आगरा से देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। ताजनगरी आगरा में तीसरे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। 12 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसी को लेकर ताजनगरी में लगातार जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। ताजनगरी की जनता क्या सोचती है उसी पे हम चाय पर चर्चा करेंगे। आज ट्रांस यमुना कॉलोनी है, यहाँ पर एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर ये चाय पीते पीते ताजनगरी के लोग किस तरीके की राजनीति का समीकरण बना रहे हैं, हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, किस तरीके का समीकरण आप देख रहे हैं ताजनगरी आगरा में? फतेहपुर सीकरी लोकसभा हो या आगरा लोकसभा हो, कौन से प्रत्याशी होंगे, क्या मुद्दे आपके होंगे? हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अभी अभी घोषित किए हैं, बसपा ने, सपा ने, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। लेकिन यहाँ जो अभी लहर जो चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है डॉक्टर एस पी सिंह बघेल, उनकी जो लहर चल रही है, बस भाजपा से थोड़ा हमारा ये एक प्रश्न ये है कि जो परीक्षाएँ हैं उनको लेके और शिक्षा की जो नीति है उनको लेके थोड़ा भाजपा अपने डाउनफॉल में जा रही है। बाकी जो काम भाजपा कर रही है वो अच्छा कर रही है। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और जो है पानी की बहुत समस्या है आगरा में, पानी की इतनी काफ़ी समस्या रहती है जगह जगह पर, क्योंकि आगरा में ज़मीन में पानी स्तर बहुत नीचे है और जो वाटर वर्क जल निगम की जो लाइनें हैं काफ़ी टूटी फूटी रहती हैं, उनको लेकर भी काफ़ी सारी परेशानियां झेलते रहते हैं हम लोग अपनी गलियों में, बस्तियों में, काफ़ी जगह पर। तो वो बिल्कुल तमाम वो मुद्दे हैं जिनको ये विचार करने लायक हैं और जिन पर और आगे भी हम बात करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कैसे प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं, किस तरीके का प्रत्याशी होना, लोकल स्तर पर क्या मुद्दे रहेंगे? जी, मेरा नाम अभिषेक पचौरी है और मैं ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो सारी व्यवस्थाएँ ठीक चल रही हैं लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो ख़राब कर रखी हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसकी शिक्षा को लेके किताबें और कॉपियाँ काफ़ी महंगी आ रही हैं। और कुछ चीज़ें ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आगरा में कई चौराहे हैं, उन चौराहों पर बहुत सारी गंदगी पड़ी होती है, साफ़ करने की कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी जनता उनको गंदगी में फैला रही है, तो उसको थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे कुछ जो व्यवस्थित लोग होते हैं वाकई में जिनको राशन की ज़रूरत होती है वो राशन नहीं ले पा रहे हैं, और जिनको राशन की ज़रूरत नहीं है वो राशन लेके चले जाते हैं। तो हमारे नेता से बस यही कहना है कि इन चीज़ों पर पूरा ध्यान दिया जाए, जो वाकई में लेने योग्य हैं उनको राशन दिया जाना चाहिए। और एम्बुलेंस रिलेटेड भी ये कहना चाहूँगा, जैसे अगर आगरा में काफ़ी जाम लग जाता है रोडों पर, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती जिससे मरीज़ और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, तो एक ऐसी सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए कि जिसको डायल करके उस एम्बुलेंस को सबसे पहले निकालना चाहिए। छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल छोटे। अब माहौल कैसा देख रहे हैं आप चुनाव में? माहौल में यही देख रहा हूँ कि जो लहर चल रही है वो बीजेपी की लहर चल रही है और सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं, हम खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन कोई ये ना समझे कि एक तरफा यहाँ बात चलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्थाओं को देख के ही मैं वोट दूंगा। बिल्कुल। और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, ये बड़े राजनीति का आपको तजुर्बा होगा, लंबे अरसे से आप चुनाव देखते आ रहे हैं, इस समय क्या माहौल ताजनगरी में देखा जा रहा है, किस तरीके का चुनाव देखा जा रहा है? वो चुनाव में हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या होती है, चाहे आगरा संसद सीट हो, चाहे फतेहपुर सीकरी सीट हो, हर क्षेत्र की जनता की अलग अलग समस्या होती है। किसी को शिक्षा विभाग की, किसी को पानी की, किसी को सफाई की, किसी को बिजली की, अदर कर समस्या ऐसी होती है कि क्षेत्र बाय क्षेत्र होती है। हम आगरा से फतेहपुर सीकरी लगाएं या फरीदाबाद संसदीय सीट से लगाएं तो एक तरफ से नहीं बात करनी चाहिए, क्यों आगरा की समस्या कुछ अलग है, फरीदाबाद की अलग है, संसदीय क्षेत्र हमारे सीकरी का अलग है, तो जनता की समस्या अलग होती है। लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये एक केंद्र सरकार का चुनाव है, एक प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसमें जनता सबसे पहले देश की सुरक्षा, अपनी क्षेत्र की सुरक्षा, राज्य सरकार क्या कर रही है, हमारी किस तरह से कानून व्यवस्था है, पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, वो राज्य सरकारों पर निर्भर होता है। पर केंद्र सरकार का चुनाव है वो पूरे देश का चुनाव होता है, उसको केंद्र सरकार पर निर्धारित किया जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरह का है, हमारे प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल में क्या काम किया है, कोई कमियाँ तो नहीं रही हैं, और कमियाँ रही हैं उसको अवगत कराया जाए, तो विपक्ष का काम होता है अवगत कराना।
तो केंद्र में जो सरकार चल रही है इस टाइम जो 10 साल का कार्यकाल है उससे मेरे अनुमान है शायद 80% आदमी संतुष्ट है। बीजेपी विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पे हमला करता नजर आता है। तो विपक्ष तो मैं आप और हम है, मान लो किसी लड़ रहे तो विपक्ष तो काम है, और विपक्ष नहीं करेगा तो सरकार काम नहीं करेगी। भाई कोई भी सरकार काम अच्छा कर रही है और कहीं गलती कर रही है तो विपक्ष का काम है करने का। विपक्ष कर रहा तो कोई गलत नहीं कर रहा है, कहीं कमी है तभी तो कहता है, पर लेकिन सरकार अपना काम अच्छा कर रही है देश के प्रति, समाज के प्रति, और इससे अच्छा करे। तो जो आप वोट करेंगे वो योगी मोदी के चेहरे पर करेंगे या लोकल प्रत्याशी के चेहरे? नहीं साहब, लोकल प्रत्याशी नहीं, हम एक पार्टी से जो देश की सभ्यता को बनाए रखा है केंद्र सरकार के प्रति वोट देते हैं। जो केंद्र सरकार में पहुंचे हमें कोई चेहरा ऐसा दिखे जो अच्छा प्रधानमंत्री बन सके किसी पार्टी का, हम उसको देखते हैं। क्षेत्रीय पार्टी से नहीं, एक मान लो कोई नेता खड़ा है उससे हमें ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जो क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, जिस नगर पालिका का होता, चेयरमैन का होता, तो पार्टी अपनी देखते, कोई आपस का कोई वो आदमी है उसको वोट देते। ये तो केंद्र सरकार का है, तो हमें तो प्रधानमंत्री के चुनाव पर देखना है कि प्रधानमंत्री किस पार्टी का अच्छा बन सकता है जो काम कर रहा है, और आज जो कर रहा है उसको हम सहमत है। जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार अच्छी बनेगी। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव जिस तरीके से आने वाला है, क्या युवाओं की सोच क्या है? युवाओं की सोच यही है कि उनकी जो पढ़ाई को लेके सुविधाएं हैं वो पूरी की जाए, पर्याप्त की जाए, जो भर्ती वगैरह हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनको पूरा का पूरा आश्वासन दिया जाए कि अगर हमारी सरकार बनती है, जो भी हमारा होता है, तो हम जितने भी युवा हैं सभी को प्रावधान करेंगे, काम वगैरह जो भी है पढ़ाई में उन्नति करवाएंगे, और जितने भी टेस्ट वगैरह लीक हो रहे हैं जो भी है तो दोबारा करा के जितनी भर्तियाँ हैं उनको पूरा का पूरा संयुक्त तरीके से। कैंडिडेट के चेहरे पर वोट करेंगे या योगी मोदी के चेहरे? योगी मोदी के चेहरे पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगी मोदी, बीजेपी एक गवर्नमेंट मतलब बीजेपी एक सरकार है। अब उसमें कल को योगी भी आ सकते हैं, कल को एसपी सिंह बघेल भी आएंगे, कल को हमारे जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में धर्मपाल सिंह वो भी आ सकते हैं। चेहरा किसी का नहीं है, पर एक जो है बीजेपी का जो वो है क्या नाम है चुनाव चिन्ह, हम उसी पर जाएंगे। बस ये आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है लगातार राजनीतिक सर, जैसे कि मैं एक युवा हूँ और मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, बट मेरा ये है कि जो भी चुनाव में आए वो थोड़ा बेरोजगारी पे, युवाओं की बेरोजगारी पे ध्यान दे थोड़ा, ताकि मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी थोड़ा बेरोजगार हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जैसे युवा हैं वो रोजगार मिले उनको। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ निकल कर आ रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप चाय की टपड़ी में हैं और चाय आप लगातार लोगों को पिला रहे हैं, क्या देखते हैं, कितना समीकरण आप देख रहे हैं राजनीति का? मैं राजनीति से बहुत दूर और मैं सन्यासी आदमी हूँ, ना ही मैं इसमें प्रश्न पढ़ना। वोट किसको देंगे आप? वोट तो मेरा सनातन को ही जाएगा। सनातन? तो आप यहाँ लगातार तमाम जो चर्चाएं होती हैं वो किस तरीके का माहौल निकल कर आता है, आप तो सुनते होंगे लोग बाग आपस में बात। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं उस पर स्पष्टीकरण दूँ तो उससे क्या फ़ायदा है? आप सब पब्लिक जानती है, सब कुछ जान रही है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये तो सीताराम भाई सीताराम। तो बिल्कुल, ये सनातन पर वोट देंगे, इन्हें बहुत बड़ी बात कही है, और आगे हमारे साथ भी और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव है, वोट पड़ने वाली है, किन मुद्दों पर आप वोट करें? किन मुद्दों पे वोट दें? मुद्दे क्या रहेंगे आपके? काय के मुद्दे ये बताइए ना। और भी हम बात करेंगे इनसे। सर क्या किस तरीके का मुद्दा रहेगा आपका, क्या कौन सा आप ऐसा नेता चुनेंगे जो इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, सांसदी के इस बार वोट पड़ने वाले हैं, तो लोकल स्तर पर अगर देखेंगे तो लोकल समस्याओं को देखते हुए हम वोट करेंगे। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यमुना पार क्षेत्र है ये, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आए दिन यहाँ पानी की समस्या से जनता जूझ रही है, तो मेन मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि पानी की समस्या किसी भी प्रकार यहाँ दूर हो। बाकी रही केंद्र की बात, तो वो बड़े बड़े स्तर के काम हैं, तो वो बड़े बड़े स्तर पे होंगे। लोकल मुद्दा हमारा यही है कि इस क्षेत्र का पानी की समस्या दूर हो। तो अब कैसा प्रत्याशी आप चुनना चाहते हैं, जो विरोध भी देखा जा रहा है तमाम लोग प्रत्याशियों का? ऐसा है कि इस क्षेत्र में ज़्यादातर मांग उठती है बैराज की। हर बार चुनाव आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर सकल नहीं दिखाते। इस बार भी ये सोच के वोट देंगे कि कोई व्यक्ति जो इस बार पानी की समस्या को, यहाँ की समस्या को दूर करेगा, उस मुद्दे पर हम वोट करेंगे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, तमाम जो युवा साथी हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम जो चाय की दुकान पर जो बैठे लोग हैं, उनका सिर्फ यही है कि लोकल स्तर पर जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को यहाँ पर
देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद ही किसी भी ऐसे कैंडिडेट को चुना जाएगा जो कैंडिडेट अपने लोकल स्तर के मुद्दों पर यहाँ विचार विमर्श करे और लोकल मुद्दों को पूरा हल करके यहाँ पर उनका समाधान कर पाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर लाया जाए जो देश को उन्नति के पथ पर ले जाए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज, आगरा। तो आगरा की जनता को सुना आपने, अब आपको रायबरेली की जनता क्या सोचती है वो सुनाते हैं। 24 का यूं कहें कि चुनावी मौसम भी शुरू हो गया है। पहले जो चरण के नामांकन हो गए हैं, दूसरे की भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, तीसरे का दौर जो है वो भी शुरू हो जाएगा। हम हैं रायबरेली में, रायबरेली लोकसभा सीट में पांचवें चरण में चुनाव है और 20 मई को यहाँ मतदान होगा। हम हैं रायबरेली शहर में, एक विनय टेक्सटाइल की दुकान है। पहले हम आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, ऐसा लोगों का, क्योंकि यहाँ बड़ा जमावड़ा रहता है, चाय बिल्कुल तैयार है, लोग चाय पी रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली, कांग्रेस कहती है कि मेरा गढ़ है, तो अभी तक फिलहाल कोई प्रत्याशी किसी भी दल से नहीं आया है। नामांकन जो है घोषणा हुई थी पिछले 16 मार्च को, आज लगभग यूं कहें कि 7 तारीख है, इस बीच 20 से 22 दिन बीत गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ चाय पीते हैं, वो बेहतर समझते हैं। दादाजी शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्यामलाल, पूर्व प्रधान खोराहटी। प्रधान जी, चुनाव आ गया, आप भी चुनाव लड़े होंगे, तो इस चुनाव को किस नज़र से आप देख रहे हैं, खासकर रायबरेली लोकसभा सीट का? अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं, तो कोई भाजपा का विचार बता दीजिए, यहाँ कैसा देख रहे हैं, कहाँ नहीं देख रहे हैं। जो ना भाई, अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं किसी पार्टी का है, अभी तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल निकल जाएगा। नहीं ऐसे तो ना निकली, मगर यह है कि जब प्रत्याशी आवे तो विचार विमर्श हो, जब प्रत्याशी नहीं तो कोई पक्का। अच्छा, चर्चा नहीं सुनी किसी कांग्रेस है बीजेपी का कौन आ रहा, कांग्रेस कौन आ रहा? अब सुनता मिला जो सामने आओ तो है, देखा जाए, जब सुना तो बहुत कुछ सुना जाता है कि का को लड़ रहा, को लड़ रहा। अरे भाई ये कि सामने आवे जो प्रत्याशी, तो उसके मीडिया में तमाम खबरें चर्चा आई कि रायबरेली से खासकर कांग्रेस का गढ़ रहा, 20 सालों से सोनिया गांधी यहाँ की सांसद है, तो वो तो राज्यसभा चली गई, अब उनकी बेटी का प्रियंका गांधी वाड्रा का चल रहा है, ऐसी चर्चा है कि प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और एक आपने सुना होगा बगल में, अपना बगल में जो जिला है अमेठी, वहाँ से पता चल रहा है कि इस बार जो है उनके दमाल लड़े हैं वाड्रा का, ये जो जानकारी है आप? सुना है, पेपर में पढ़ा है, पेपर में, लेकिन कोई आ नहीं रहा। हमें तो बड़े पर पैदा रहा, तो ये ठीक रहेगा कि रायबरेली से यूं कहें कि यहाँ से प्रियंका उनकी पत्नी है और रावण वहाँ से पति है, तो ये कैसा रहेगा रायबरेली अमेठी? अब समय आने में बताया जाएगा, अभी क्या बता दें कि कौन जीते कौन हारेगा जो है। अच्छा, कितने सालों से, कई चुनाव आपने देखे होंगे, कितने सालों से लग रहा है कि आज 20 से 22 दिन हो गए सूचना के, और रायबरेली सीट बहुत महत्वपूर्ण खासकर कांग्रेस के लिए, आप लोग कांग्रेस को चुनते रहे, प्रत्याशी का ना आना, प्रत्याशी का ना आना तो पार्टी वाले जाने, हम क्या बता सकते, पार्टी क्या कर रही है। तो जो कहते हैं, जो कांग्रेस कहती है। चलिए एक और है हमारे युवा साथी, हमेशा शुभ नाम क्या है? पवन यादव। पवन जी, क्या चल रहा है इस चुनाव में, कोई आया वोट मांगने? अभी तो कोई नहीं आया। कारण क्या है? कारण ये है कि सब लेट लपेट चल रहा है। अच्छा, ये एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, कौन पहले प्रत्याशी उतारेगा कौन नहीं उतारेगा, इसीलिए लेट लपेट हो रहा है। अच्छा, ये चर्चा आपको सुनाई पड़ी होगी कि यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी से उनके पति रावण वाड्रा, ऐसी कुछ चर्चाएं निकल के आई? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं इस विषय पे। अच्छा, लड़ते हैं अगर अमेठी से रावण वाड्रा लड़ जाए यहाँ से प्रियंका गांधी, तब कांटे की टक्कर होगी किससे? भाजपा से। भाजपा इस बार जो दावा कर रही कि हम जीतेंगे रायबरेली? हाँ, हो सकता जीत जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जनता का मूड है कब बदल जाए, अभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता कौन जीत रहा है। चलिए वो तो खैर, बहुत सारे देखिए युवा बैठे हैं, पता नहीं इनकी वोट है कि नहीं, जानने की कोशिश करते हैं, आप ही बता दीजिए। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आजम। आजम जी, अरे रायबरेली है जी, यूं कहें कि तमाम अभी प्रत्याशी नहीं आए,
रायबरेली का चुनाव किस हिसाब से देख रहे हैं आप? ये जिला जो है कांग्रेसी गढ़ है और यहाँ प्रियंका को लड़ने की पूरी उम्मीद है। और ये भी आपने सुना होगा कि वहाँ अमेठी जो है राबर बाढ़ रहा। जी उनकी भी अब उड़ती हुई खबर है, अब क्या सच है क्या सही है तो पता नहीं। जी अगर दोनों यहाँ से प्रियंका वहाँ से राबर हो जाए तो खासकर कांग्रेस के लिए कितना ये ठीक रहेगा? दोनों सीट कांग्रेस की ही है, दोनों ही जीतेंगी बम्पर वोटों से। दोनों दोनों कैसे जीतेंगी? इतना सरकार मोदी जी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो वो सभी पब्लिक देख रही क्या कर रहा है, सब देख रही है। चलिए एक युवा साथी है भाई साहब, क्या नाम है? सुनना मोहम्मद दानिश। वोट वोट देते हैं आप? बिल्कुल देते हैं। ये चुनाव में कोई वोट वोट मांगने आया अभी? नहीं, वोट मांगने तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, कारण क्या है? कारण जो भी हो, कौन है प्रत्याशी यहाँ कुछ पता चला? प्रियंका गांधी सुनाई पड़ रहा है। सुनाई पड़ रहा। अगर रायबरेली से बगल में अगर अमेठी में उनके पति रावण बाड़ेरा, ये भी चर्चा है? जी इसके बारे में तो नहीं सुना। अच्छा सुना नहीं है जी। आपका शुभ नाम क्या है भाई? मोहम्मद फैजान। फैजान क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट क्लास में। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन? वोट वोट है? हाँ वोट तो है ना। तो क्या सोचते हैं आप इस चुनाव को लेकर के, क्या सोचते हैं कि जो सांसद चुना जाएगा या जो भी आएगा कुछ करेगा ऐसे पढ़ते जाएंगे आप कुछ हो? अब देखो क्या होता है अभी, तो इसके बारे में क्या सोच के जाएंगे वोट करने का? देखेंगे, अभी तो काफी टाइम है वोट देने के। मुद्दा क्या होगा? अब मुद्दा जो करीब आएगा तब पता चलेगा तो क्या होता है क्या नहीं। राहुल गांधी को जिताना है बस, राहुल गांधी। प्रियंका गांधी बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वे जो है खासकर बात तो कर रहे हैं कि कम से कम प्रत्याशी आए चाहे जो भी आए, रायबरेली से प्रियंका गांधी की जैसे चर्चा है वैसे ही चर्चाएं अमेठी से राबर वाड्रा की हैं। तो ये विनय टी स्टाल है, हम थोड़ा सा जानेंगे विनय से भी। विनय जरा इधर आइए थोड़ा सा, एक मिनट के लिए थोड़ा सा। तो ये विनय जो है ये इनकी चाय तब तक दिखा देते हैं, चाय देखिए इनकी किस तरह की। ये समोसा इनका भी बहुत ठीक ठाक है, इनकी चाय है। यहाँ काफ़ी लोग आ जाते हैं, लगभग यूँ कहें कि यहाँ पर जो है बड़ी भीड़ रहती है। भाई क्या नाम है? विनय कुमार। विनय कुमार, जब चुनाव आते हैं कितने सालों से दुकान कर रहे हैं आप? अभी 4-5 साल से कर रहे हैं। 4-5 साल। तो यूँ कहें कि 22 वाला विधानसभा चुनाव और ये तो भीड़ भाड़ रहती है? जी जी। ग्राहक आ रहे हैं? इधर इधर एक मिनट के लिए रुकिए। ग्राहक आ रहे हैं? आ रहे हैं। कुछ बात चुनाव ना होती? नहीं, चुनाव में कोई चर्चा नहीं हो रही। अच्छा, तो अभी चुनाव एकदम माहौल शांत है, एकदम शांत है। अच्छा, कारण क्या है? अब ये तो भाई अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए। जी सर। हाँ, क्या क्यों शांत है अब ये तो? अच्छा, कुछ चर्चाएं होती जो लोग यहाँ चाय पीने आते हैं, कुछ बात करते हैं? नहीं, चुनाव कोई बात नहीं होती, खाते हैं चाय पी। हाँ, चले जाते हैं। ये चुनाव भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, जब चर्चा होगी तो बताएंगे आपसे हम। देखिए विनय जी भी बहुत होशियार है क्योंकि वो होटल चला रहे हैं, उनको पता है कि हमको इस तरह की जो है राजनीति नहीं पड़ना, नहीं तो उनके हो सकता है कुछ ग्राहक इधर उधर हो जाए। कुछ एक ये दादाजी बैठे हैं, दादाजी एक मिनट। शुभ नाम क्या है? गया राम। राम कहाँ रहते हैं? किसम कराम रहते हैं सब। वोट वोट करते हैं? वोटिंग जी जी। इस बार क्या चल रहा है रायबरेली में? रायबरेली में ठीक है चल रहा है सब। क्या ठीक चल रहा है? कोई प्रत्याशी नहीं तब भी बता रहे ठीक चल रहा है। खड़े रहिए अब 2 मिनट, इतना बैठ गए। अच्छा बैठ ही जाइए, चलिए हम भी बैठ जाते हैं। तो बताइए क्या ठीक चल रहा है, क्या यहाँ क्या चर्चा है रायबरेली में कि कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? यहाँ का सांसद कौन है? सांसद यहाँ का सोनिया गांधी है। है जी, सोनिया गांधी है। तो उनके ये प्रियंका गांधी सोनिया की कौन है? लड़की है उनकी। उनकी लड़की जी। प्रियंका के दामाद का नाम जानते हैं? नहीं। राबर्ट बाड्रा नाम है उनका जी। तो उनकी भी चर्चा चल रही कि बगल में अमेठी में लड़ेंगे, यहाँ प्रियंका लड़ जाए ऐसी कांग्रेस सोच रही है जी। तो क्या रहेगा, ये सब सोचते रहेंगे, कुछ होगा? होना चाहिए सर, जैसे कि कुछ फैक्ट्रिया उक्ट्रिया खुलवा दे तो गरीबों आदमी को कुछ रोजी रोटी चले, यही सब लोग बोल रहे हैं। मोदी जी भी तमाम योजनाएं ले आए, तमाम घर घर सब कुछ। हाँ, सारी व्यवस्थाएं। तो क्या वो उनका ठीक नहीं रहेगा? नहीं नहीं, मोदी जी भी काम बढ़िया किया है, मोदी भी ठीक जी, जी, कोई गलत काम नहीं। तो क्या रहेगा रायबरेली में? रायबरेली में
माहौल को देखते हुए लग रहा है कि भाजपा ही निकलेगा, निकल उम्मीद है। अच्छा जी, क्या नाम भैया है? नाम हुआ कहा है आपका? पप्पूलाल यादव। हाँ, तो क्या करते हैं आप? राजगिरी। राजगिरी में जी घर बनाते जी। क्या चल रहा है रायबरेली में चुनाव को लेकर? अभी प्रत्याशी कोई नहीं, क्या बता दे। अच्छा, क्या चर्चा चल रही है कि इस दल से कौन अभी आए? कोई चर्चा नहीं चल, कोई चर्चा नहीं। देखिए, बहुत सारे सवाल जनता के पास भी हैं, क्योंकि कोई प्रत्याशी आ नहीं रहा और कांग्रेस दावा करती है कि हमारा परिवार है, गढ़ है, और ये चर्चा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आ सकती है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है, एक बगल में अमेठी जो है, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मैदान में आ सकते हैं, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई थी। फिलहाल ये सब खबरें हैं, लोग रायबरेली का इंतजार कर रहे हैं कि कोई जो है किसी दल का भी उम्मीदवार नहीं आए मैदान में। ये अलग बात है कि जब वोटिंग होगी, मतदान होगा 20 मई को, उसके बाद जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि रायबरेली की जनता ने किसको अपना सांसद चुना। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो आगरा और रायबरेली की जनता की राय आज हमने चाय पर चर्चा पर जानी, और हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो मुद्दे और जो विषय लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है उसे किस पार्टी का फायदा होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।